So let us start the chapter accounts of holding companies. So first of all, holding company hoti kya hai aur subsidiary company kya hai. A holding company is a company which controls another company by acquiring all or majority of its shares, carrying voting rights or controlling the composition of its board of directors. होल्डिंग कंपनी क्या होती है जो कंट्रोल करती है किसी दूसरी कंपनी को बाय एक्वायरिंग ऑल या तो सारे के सारे या मेजॉरिटी ऑफ इट्स शेयर्स कैरिंग व्हाट कैरिंग वोटिंग राइट्स और व्हाट कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इस लाइन का सीधा सीधा मतलब क्या है कि मान लीजिए दो कंपनीज हैं, एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी, और ए कंपनी बी कंपनी के या तो 50% से ज्यादा, इसका मतलब क्या हो गया 51% और मोर, 50 से ज्यादा तो कितना होगा 51% या उससे ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर ले. जब वो शेयर्स एक्वायर कर लेगी तो कंपनी की शेयर होल्डर बन जाएगी, शेयर होल्डर बन जाएगी तो उसको कंपनी में वोटिंग राइट मिल जाएगा. या दूसरा क्या हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसका मतलब क्या है कि जब कंपनी के जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर ए के होंगे तो बी कंपनी की ए कंपनी सब्सिडरी बी जो है वो सब्सिडरी हो जाएगी और ए जो है वो उसकी होल्डिंग कंपनी हो जाएगी. जिस कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए जाते हैं वो कहलाती है सब्सिडरी कंपनी. तो इसका मतलब इस केस में ए कंपनी एक्वायर कर रही है तो ये हो गई होल्डिंग, और बी कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए जा रहे हैं तो बी कंपनी हो गई सब्सिडरी. एक और कंडीशन होती है, वो आगे भी मैं करवाऊंगी आपको, कि अगर ए कंपनी बी कंपनी की होल्डिंग है और बी कंपनी सी कंपनी की होल्डिंग है तो ऑटोमेटिकली ए कंपनी सी कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन जाएगी. बात समझ में आई? यस मैम. यस मैम. कुछ लीगल डेफिनेशंस हैं कि एक सब्सिडरी क्या होती है. इट इज एन एंटरप्राइज दैट इज कंट्रोल्ड बाय अनदर एंटरप्राइज नोन एज पेरेंट. सब्सिडरी कौन है? ऐसी एंटरप्राइज जो किसी और एंटरप्राइज से कंट्रोल की जाती है जिसको हम पेरेंट कहते हैं. तो पेरेंट इज ऑल्सो नोन एज होल्डिंग. देन अ पेरेंट इज एन एंटरप्राइज दैट हैज वन और मोर सब्सिडरीज. एक होल्डिंग कंपनी की जरूरी नहीं है एक ही सब्सिडरी हो, वो और भी ज्यादा कंपनीज को कंट्रोल कर सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट, जो एक या एक से ज्यादा सब्सिडरीज को कंट्रोल करता है. और ए ग्रुप ऑफ पेरेंट एंड ऑल इट्स सब्सिडरीज वो क्या कहलाता है, ग्रुप. ए ग्रुप इज अ पेरेंट एंड ऑल इट्स सब्सिडरीज. होल्डिंग कंपनी और उसकी सारी सब्सिडरीज को जब इकट्ठे हम बात करते हैं तो वी प्रोनाउंस देम एज ग्रुप. तो सेक्शन 287 के अंडर एक कंपनी एक होल्डिंग कंपनी बन सकती है कब, इफ ए कंपनी एक्वायर्स ऑल और मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी शेयर्स, इफ द अदर कंपनी कंट्रोल्स द मैनेजमेंट और द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इफ द कंपनी बिकम्स ए सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी विच इटसेल्फ इज ए सब्सिडरी ऑफ ए थर्ड कंपनी. तीनों बातें बता दी मैंने कि अगर ए कंपनी बी कंपनी की है और बी सी की है तो ए ऑटोमेटिकली सी की भी होल्डिंग होगी. बात करते हैं कि सब्सिडरी कंपनीज जो हैं वो कितनी तरह की होती हैं. एक होती है होली ओन्ड और एक होती है पार्टली ओन्ड. होली ओन्ड कौन सी होती है, जिसके 100% शेयर्स होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है. होल्डिंग कंपनी सारे के सारे शेयर्स अगर ले ले तो वो कौन सी कहलाती है, वो होली ओन्ड कहलाते हैं. और अगर मान लीजिए किसी ने 70% लिए हैं, 80% लिए हैं, 90% लिए हैं तो ये कौन सी कहलाएगी, ये पार्टली ओन्ड कहलाएगी. यानी कि 51% से ज्यादा लिया है लेकिन 100 नहीं लिया, तो 70% अगर ले लिया तो बाकी बचा हुआ 30% किसके पास है, बाकी बचा हुआ 30% पब्लिक के पास है. 80% अगर ले लिया तो 20% किसके पास होगा, पब्लिक के पास. 90% अगर ले लिया तो 10% किसके पास होगा, पब्लिक के पास. तो पब्लिक के पास मेजर शेयर है या माइनर शेयर है,
माइनर शेयर मैम, माइनर शेयर है इसलिए इनको हम बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. क्या बोलते हैं इनको? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को जो चीज मिलती है उसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट. माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को हम जो भी हिस्सा देंगे वो क्या कहलाएगा? वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाएगा. और जो पब्लिक यानी कि जो हमारा एक कंपनी है, मान लीजिए एबीसी कंपनी है, उसको किसी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया और टेक ओवर करने के बाद उसने 80% शेयर ले लिए, तो 20% शेयर जो नहीं लिए वो पब्लिक को चले गए. और जो पब्लिक को गए उनको हमने नाम दिया माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को मिलने वाले हिस्से को हमने नाम दिया माइनॉरिटी इंटरेस्ट. यहाँ तक समझ में आया मैम? यस मैम. मैम पब्लिक कभी एक एक करके पूछिए. यस मैम, पब्लिक कभी मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन सकती है? अगर वो मेजॉरिटी होगी तो होल्डिंग ही नहीं हो सकता ना. वो केस तो होएगा ही नहीं मतलब मैम. वो केस होगा ही नहीं ना. या तो सारा का सारा होल्डिंग के पास है, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द शेयर इज विद द होल्डिंग कंपनी, तो वो हमेशा माइनॉरिटी ही रहेंगे. सब्सिडरी कंपनी के केस में जो पब्लिक है वो हमेशा माइनॉरिटी रहेगी. ओके ठीक है. ओके इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि होल्डिंग कंपनी के एडवांटेजेस क्या हैं. अब होल्डिंग कंपनी यानी कि एक मान लो कंपनी है ए और एक कंपनी है बी, दोनों एक जैसा काम कर रही है. सपोज करिए कि वो भी वही प्रोडक्ट बना रही है जो बी कंपनी बना रही है और उसको वो होल्ड कर लेती है बी कंपनी को. अब बोथ कंपनीज कैन रिटेन देयर आइडेंटिटीज एज देयर इज नो नीड टू लिक्विडेट देमसेल्व्स एंड लूज देयर आइडेंटिटी. आपने लास्ट सेमेस्टर में एक चैप्टर किया था, अमलगामेशन किया था. अमलगामेशन में क्या होता था कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब ही कर लेती थी, खरीद लेती थी, राइट? या दो मिलकर फिर एक नई कंपनी बना रही है तो उनकी अपनी आइडेंटिटी तो खत्म हो जाती थी ना. और अगर एक ही कंपनी दूसरी को ले रही है तो इसकी आइडेंटिटी चल रही है, इसकी खत्म हो गई. लेकिन अगर ए कंपनी बी कंपनी को होल्ड करती है तो ए इंडिविजुअली काम कर रही है और बी इंडिविजुअली काम कर रही है, तो दोनों की अपनी आइडेंटिटीज जो है वो मेंटेन रहती हैं. देन वेरियस इनकम टैक्स बेनिफिट्स कैन बी एंजॉयड बाय फॉरवर्डिंग देयर एग्जिस्टिंग लॉसेस. जब वो लॉसेस को एडजस्ट करते हैं आपस में तो उनको कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में बेनिफिट्स मिलते हैं, वो आप आगे प्रैक्टिकल देखेंगे. देन सब्सिडरी कंपनी कैन एंजॉय द एडवांटेज ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल. सब्सिडरी कंपनी को बंद होने की जरूरत नहीं है, उसकी अपनी जो गुडविल चल रही है वो उसको एंजॉय करता रहेगा. एडवांटेजेस ऑफ मोनोपोली एंड नियर मोनोपोली में बी एंजॉयड. अब मान लीजिए ए ने बी को होल्ड कर लिया, अब वो उसकी सब्सिडरी है तो वो उसके अंडर काम कर रही है एक किस्म से, वो उसकी डायरेक्शंस को मान रही है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं या कुछ भी, वहां पर पावर उनकी ज्यादा है होल्डिंग की. तो अगर वो सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो देयर मे बी अ सिचुएशन कि वो मार्केट में नियर मोनोपोली या मोनोपोली की सिचुएशन को ला सके, तो उसके एडवांटेजेस उनको मिल सकते हैं. होल्डिंग कंपनी डिवाइस इज बेस्ट सुटेड फॉर प्रमोटिंग कॉम्बिनेशन मूवमेंट्स इन बिजनेस. कि हम कौन से किस क्या क्या चीजें और प्रमोट कर सकते हैं मिलकर काम करके और क्या बेनिफिट्स हम लेकर आ सकते हैं, तो वो चीजें होल्डिंग कंपनी को अचीव होती हैं. देन प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ईच कंपनी कैन बी इजिली नोन एज ईच कंपनी हैज टू प्रिपेयर इट्स ओन बुक्स ऑफ अकाउंट. ऐसा नहीं है कि होल्डिंग कंपनी है तो सब्सिडरी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाएगी. यस, होल्डिंग कंपनी को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, बट सब्सिडरी कंपनी अपनी बैलेंस शीट अलग से बनाती है. Less investment is required to acquire the controlling interest in another company as compared to another technique like absorption and amalgamation. अगर हम किसी के 51% shares ले रहे हैं तो वो लेने में ज्यादा पैसा लगेगा या उसको पूरा का पूरा खरीदने में absorb करने में ज्यादा पैसा लगेगा, तो कम investment में हम किसी दूसरी company पे अपना hold ला सकते हैं with the help of taking its shares. इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में भी सिक्योर्ड. लार्ज स्केल प्रोडक्शन होंगी, लार्ज स्केल काम होगा तो हमारे को इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन भी मिलेंगी. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? दीज कंपनीज कैन मैनिपुलेट द अकाउंट्स फॉर देयर फ्रॉडलेंट पर्पसेस. देखो लूप होल्स हर जगह पर होते हैं, जब हम किसी और को कंट्रोल करेंगे तो वी कैन मैनिपुलेट द अकाउंट्स.
डेंचर ऑफ ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि माइनॉरिटी है, कम लोग हैं, तो उनको दबाया जा सकता है, उनके ऊपर अननेसेसरी उनका मिसयूज किया जा सकता है, एडवांटेज लिया जा सकता है. फिगर्स ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में ऑल्सो भी मैनिपुलेटेड. ये हम प्रैक्टिकल में सीखेंगे कि इंटर कंपनी जो ए कंपनी और बी कंपनी आपस में ट्रांजेक्शन करती हैं उनको हम कैसे हटा देते हैं, तो उनमें मैनिपुलेशन भी किया जा सकता है. होल्डिंग कंपनी इंजॉयज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ मोनोपोली, बट दिस इज क्लियरली अ डिसएडवांटेज फ्रॉम सोशल पॉइंट. अभी हमने एडवांटेजेस में बात की थी कि वो मोनोपोली के सारे एडवांटेजेस को इंजॉय कर सकता है, लेकिन मोनोपोली कभी भी सोसाइटी के लिए गुड नहीं होता, तो इसलिए ये सोसाइटी के हिसाब से ये डिसएडवांटेज है. सब्सिडरी कंपनी में बी फोर्स टू अपॉइंट पर्सन ऑफ द चॉइस ऑफ होल्डिंग कंपनी. होल्डिंग कंपनी जो है वो सब्सिडरी कंपनी को फोर्स कर सकती है कि वो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उनकी मर्जी का बंदा वहां पर अपॉइंट करे. होल्डिंग कंपनी कैन अननेसेसरली एक्सप्लॉइट द सब्सिडरी कंपनी. होल्डिंग कंपनी जो है वो सब्सिडरी कंपनी को क्योंकि मोर पावर में है तो वो एक्सप्लॉइट कर सकती है कि भाई वो हमारे अंडर काम कर रही है तो हम उसको जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं. अब आता है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमें क्या बनाना है, हमें बनानी है इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या है, इट इज वेयर द बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी इज कंबाइंड, दोनों को मिला दिया जाता है. तो इसको बनाने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना पड़ता है, शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड शेयर ऑफ माइनॉरिटी. जब भी हम कोई क्वेश्चन करने लगेंगे तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि माइनॉरिटी का कितना शेयर है और होल्डिंग कंपनी का कितना शेयर है. दूसरा हमें एक चीज और ध्यान में देनी पड़ेगी कि डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड डेट ऑफ वेरियस अदर सब्सिडरीज कंपनीज मस्ट बी सेम. जो ये ट्रांजेक्शन्स की डेट होंगी या किसने किसको होल्ड कब किया है, वो सारी चीजें हमें बैलेंस शीट बनाते टाइम अगर उनकी सेम है तभी हम उसको कंसोलिडेट कर सकते हैं. ठीक है, अब आती है बात कि व्हाट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट. माइनॉरिटी मैंने अभी अभी आपको बताया था कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो पब्लिक के पास शेयर्स हैं उनको हमने बोला माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, और उनको मिलने वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट. तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, जितने भी कंपनी के शेयर कैपिटल और रिजर्व्स होंगे उसमें जो इनका हिस्सा होगा वो जब उनको हम टोटल कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट. थियोरेटिकली इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, यू विल गेट इट अंडरस्टैंड विद द प्रैक्टिकल. सो आई विल डू इट व्हेन वी आर गोइंग टू गो फॉर द प्रैक्टिकल्स. और एक टर्म आपको सीखनी है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. अब हमने कहा होल्डिंग कंपनी एक्वायर करती है 50% से ज्यादा शेयर्स, यानी कि या 51 या उससे ज्यादा होने चाहिए, विच में बी इधर एट प्रीमियम और एट अ डिस्काउंटेड प्राइस. अगर कंपनी 50% शेयर्स 52% मान लो शेयर्स लेती है और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे ज्यादा पैसा देती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. कि अगर उसकी वैल्यू तो बनती थी 2 लाख और हमने दी 2,20,000, तो इसका मतलब हम 20,000 फालतू क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम उस कंपनी को कंट्रोल करना चाहते हैं. तो 20,000 वी आर पेइंग फॉर इट्स गुडविल. और अगर हम कम पे करते हैं तो वो हमारा होता है कैपिटल रिजर्व. तो ये चीजें एकदम से क्लियरिंग होंगी आपको, ये जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं. सो लेट मी मूव टू वर्ड्स अ सिंपल क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. आपको उससे क्लियर होगा कि हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं. आई एम टेकिंग इलस्ट्रेशन नंबर 1. Look, the following are the balance sheet of H Limited and S Limited at 31st March 2011. आपको जो balance sheet दे रखी है, उसमें equity and liabilities, share capital दी हुई है, holding company की और subsidiary company की. तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, holding company की आपको दे रखी है 20 लाख और subsidiary की दे रखी है 5 लाख. रिजर्व्स दिए हुए हैं आपको 6 लाख के. करंट लाइबिलिटी दे रखी है ट्रेड पेबल्स विच इज 1,40,000 ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड 80,000 ऑफ सब्सिडरी कंपनी. देन आपको असेट्स दी हुई हैं, इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख,
एंड करंट असेट्स में सन्ड्री असेट्स गिवन है 22,40,000 एंड 5,80,000. सो दिस इज द बैलेंस शीट यू आर गिवन विद. नाउ लुक, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर्स लेके बैठी हुई है. यहाँ लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन 100% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड. आप जब होल्डिंग कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि कितनी होल्डिंग है. तो कितनी होल्डिंग है हमें पता लग गया, 100% होल्डिंग है. अब 100% होल्डिंग है तो इसका मतलब सब्सिडरी कंपनी की जो ये शेयर कैपिटल है ये सारी की सारी होल्डिंग कंपनी ने ले रखी है. तो इसकी शेयर कैपिटल में होल्डिंग कंपनी ने पैसा लगा रखा है तो होल्डिंग कंपनी अपनी बैलेंस शीट में इसको कहां दिखाएगी? इन्वेस्टमेंट में मैम. यस बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट में, कि मैंने सब्सिडरी कंपनी के 5,00,000 के शेयर्स में पैसा लगा रखा है तो इसका मतलब इसकी कैपिटल इसकी क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट. अब हमें इसकी कैपिटल और इसकी इन्वेस्टमेंट को चेक करना है. इसकी कैपिटल है 5,00,000 की, रिजर्व्स हमें दिए नहीं हुए और कोई चीज हमें गिवन नहीं है तो सिर्फ कैपिटल को ही देखेंगे. कैपिटल 5,00,000 है, उसके बदले में उसने 5,00,000 ही दिया उसको, तो 5 के बदले में 5 दिया इधर से. अब हमने बनानी क्या है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनाई जाती है तो हमारी जो आपस में चीज है, जो आपस में है, उसको हम क्रॉस कैंसिल कर देंगे. इसकी कैपिटल और इसकी इन्वेस्टमेंट ये आपस में क्या हो जाएंगी? ये कैंसिल हो जाएंगे. तो अब हम जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे सो व्हाट वी विल राइट पर्टिकुलर्स. देन नोट्स टू अकाउंट्स के जो हम नोट्स नंबर देते हैं और फिर उसके बाद हमारी अमाउंट आ जाएगी. ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास है शेयर होल्डर्स फंड. तो शेयर होल्डर्स फंड में अगर मैं यहां पर नोट्स टू अकाउंट्स बनाऊं तो मेरे पास सबसे पहला नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा शेयर कैपिटल का. तो शेयर कैपिटल मेरे पास सिर्फ इसकी है और वो कितनी है मेरे पास? 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. तो दैट मींस 20,00,000. तो मेरे पास शेयर होल्डर्स फंड में कितना आ गया? नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 अमाउंट आ गई 20,00,000. ये तो कैंसिल हो गई ना 5. अब मैं इसको ऐड नहीं करूंगी इसके अंदर. रिजर्व्स मेरे पास कितने हैं? 60,000 के, 6,00,000 के. तो आई विल राइट रिजर्व एंड सरप्लस, दैट इज 6,00,000. सो रिजर्व्स एंड सरप्लस मैंने यहां पर लिख दिए नंबर 2 में 6,00,000. देन मेरे पास है करंट लायबिलिटीज, सो आई विल राइट करंट लायबिलिटीज. और करंट लायबिलिटीज मेरे पास यहां पर मैं नोट्स टू अकाउंट्स बनाती हूँ, ट्रेड पेबल्स 1,40,000 है होल्डिंग कंपनी के और 80,000 है सब्सिडरी के. तो टोटल कितना आ गया? 2,20,000. सो आई विल राइट हियर 2,20,000. ठीक है, अब मैं लिखूंगी असेट्स. असेट्स मेरे पास हैं इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट तो कैंसिल हो गई, मुझे नहीं लिखनी. तो बचा क्या? सन्ड्री असेट्स. तो सन्ड्री असेट्स में यहाँ पे 4 नंबर डाल के ऐड कर देती हूँ, 22,40,000 और 5,80,000. तो टोटल मेरे पास कितनी हो गई? 28,20,000. तो 28,20,000 मैंने यहां पर लिख दिया 28,20,000. इसका टोटल भी है 28,20,000 और इसका टोटल भी है 28,20,000. बताइए समझ में आया? यस मैम. यस मैम. ओके, अब हम yes. मैंने आपको जो बात बताई, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लिया फिर? क्या चीज? इन्वेस्टमेंट का क्या होएगा मैम फिर? इन्वेस्टमेंट मैंने 5,00,000 इससे कैंसिल कर दी ना. मैंने शेयर कैपिटल भी तो नहीं दिखाई. शेयर कैपिटल कितनी दिखाई है? 20,00,000. मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्यों बना रही हूँ? एक बात बताओ, मैंने होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को बैलेंस शीट को क्लब कर दिया.
अब सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स 5 लाख की मैंने वहां कैपिटल दिखा रखी है, अपनी में मैंने उसको एज इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है, तो मुझे उसको कैंसिल नहीं करना पड़ेगा आपस में? जब मैं उन दोनों की बैलेंस शीट को मर्ज करूंगी तो मुझे उसको कैंसिल नहीं करना पड़ेगा? You're getting my point or not? Yes, ma'am. अब इसी पॉइंट को मैंने आपको बताया था कि अगर हम ज्यादा या कम पे करते हैं तो सेम क्वेश्चन लेते हैं हम, और हम यहां पर जो ये 5 लाख लिखा है इस 5 लाख को कर देते हैं 5,20,000, बाकी क्वेश्चन हम सेम रखते हैं। ये भी हमारा सेम रहेगा कि हमारे पास शेयर कैपिटल थी 5 लाख। अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज आया? सब्सिडरी कंपनी के 5 लाख शेयर्स, और यहाँ पे 100 ही लिखा हुआ है, यहाँ कोई चेंज नहीं है, होली ओन्ड कंपनी है। 5 के 5 लाख शेयर लेने के लिए होल्डिंग कंपनी ने कितना पे किया? 5,20,000। तो 20,000 एक्स्ट्रा पे किया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा इंटेंजिबल असेट्स के अंदर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मेरी कितनी आ गई? 20,000। कितने की मेरी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है? 20,000 की, क्योंकि मैंने 5,20,000 एज इन्वेस्टमेंट पे किया है। तो मैं इसको कैसे शो कर सकती हूँ? नोट्स टू अकाउंट्स जब मैं लिखूंगी तो आई विल राइट लाइक दिस, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,20,000, वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल अगेंस्ट इट इज 5 लाख, सो माय कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कम्स टू रुपीज 20,000। Got it? अब ये मेरे पास देखो फर्क क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड मेरे पास कितने के क्वेश्चन में दे रखे हैं? 20 लाख के, ये मेरे एज इट इज आ गए। देन मुझे रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 6 लाख, ये भी मेरा एज इट इज आ गया। असेट्स ट्रेड पेबल्स मुझे 2,20,000 दी हुई हैं। अब ये जो सन्ड्री असेट्स हैं ये क्वेश्चन में चेंज कर दी हुई थी, ये 22,20,000 और 5,80,000, ये 28 लाख के इस क्वेश्चन में दे रखे हैं ताकि ये मैच हो जाए आपका, तो ये 28,20,000 हो जाएगा। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ टेक द थर्ड केस कि आपको ये 5 लाख ही दिया हुआ है लेकिन ये 4,80,000 दिया हुआ है। अब क्या फर्क पड़ेगा कि 5 लाख की कैपिटल को लेने के लिए, 5 लाख का उसका शेयर्स होल्ड करने के लिए, 100% शेयर्स होल्ड करने के लिए होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को 4,80,000 रुपए पे कर रही है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,20 नहीं है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 4,80,000। उस शेयर कैपिटल कितनी थी उसके अगेंस्ट? 5 लाख। यानी कि हम शेयर्स तो ले रहे हैं 5 लाख लेकिन हम दे सिर्फ कितना रहे हैं? 4,80,000। तो हमें फायदा होगा, फायदा होगा तो वो हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। समझ में आया? अब जब ये कैपिटल रिजर्व आएगा तो इसको हम कहां पर शो करेंगे? जो आपके ये रिजर्व्स एंड सरप्लस थे 6 लाख, इसमें ये 20,000 का रिजर्व्स ऐड हो जाएगा। तो यहां पर आप लिखोगे 6,20,000, ये जो आपकी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल थी ये यहां से चली जाएगी, और जितनी आपको दे रखी है सन्ड्री असेट्स ये दे रखी है आपको 22,60,000, और इसमें चेंज की हुई है इन्होंने, ये 22,60,000 है और ये कितनी है? 5,80,000। तो टोटल आपके पास जो असेट्स आ जाएंगी वो इन दोनों को ऐड करके आ जाएंगे, दैट इज 28,40,000। समझ में आया? यस मैम। ये जो असेट्स हैं सन्ड्री असेट्स, ये सन्ड्री असेट्स की वैल्यू आप लिख देंगे 28,40,000 एंड इट विल कम 28,40,000। यहाँ पर ये भी हो जाएगा 28,40,000, यहाँ से ये इंटेंजिबल असेट्स खत्म हो जाएगा। हाँ जी, समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, इतना ही करेंगे आज।